मैं सालीबाग से आई हूँ यहाँ पे खाना खाने। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा नाम बच्चों के लिए प्लेन है। मौजूद हूँ हड़प्पा की सरजमीन पर, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जहाँ पर हजारों साल कबल एक अजीम सकाफत ने जन्म लिया। मैं आपको बताता चलूँ, इसी के दामन में छुपा एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम अरसे में अपना नाम चाय की दुनिया में बना रखा है, जिसकी लोग अक्सर ख्वाहिश करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, डेरा सुल्तान बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मैं आपको आज लेके आया हूँ। तो इसकी सैर करवाएंगे, सबसे पहले मैं आपको कस्टमर्स के पास लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो यहाँ पर किचन के कुक है उनके पास लेके जाऊंगा, फिर लास्ट पे मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा यहाँ का जो ओनर है एहसान साहब उनसे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई वो बहुत बेहतरीन है, और खासकर जो है वो बारबेक्यू माशाल्लाह बेहतरीन है। इनका जो जायका है वो बेहतरीन है। और ये मेरे कज़न हैं, ये जब भी आते हैं, ये माशाल्लाह लाहौर रहते हैं, और जब भी आते हैं हम इन्हें यहाँ पर विजिट कराते हैं, और बेहतरीन है। सबसे पहले तो इनका इन्वायरमेंट जो है ना बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार इन्वायरमेंट है इनका। और सेकेंडली ये है कि इनका जो टेस्ट है स्पेशली मटन चाप, कलमी टिक्का, बारबेक्यू बहुत लजीज है यार। इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। असलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पर डेरा सुल्तान में आए हैं, कैसे जायका है, क्या इनका स्पेशल खाना है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं चीचावर्ती से हम रहते हैं, एक गाँव है वहाँ से हम आए हैं। ये मेरे सारे दोस्त जो बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं यहाँ पर स्पेशल आए। ये पहली दफ़ा नहीं है, ईद के मौके के हवाले से जैसे कि लोग निकलते हैं, हम भी निकले हैं, पहले भी यहाँ से खाना खा के जाते हैं डेरा सुल्तान का। यहाँ पे सिर्फ डेरा सुल्तान हड़प्पे में मौजूद नहीं है, डेरा सुल्तान में जहाँ पर जहाँ तक मैं मेरी सोच है पूरे पंजाब में डेरा सुल्तान का नाम है। यहाँ पे जो इनका जो टेस्ट है, टेस्ट के हवाले से बात करूँ, मटन यहाँ से खाया जाए पूरे पंजाब के अंदर, यानी इनके लाहौर में जैसे लियास वाले बहुत मशहूर हैं, उसको भी पीछे छोड़ दिया है ये डेरा सुल्तान मटन में। ईद की बात करूं तो मैं कमाल, आप आकर लेके मैं कहता हूं छोड़ दें। ईद के मौके पर जैसे हम ही नहीं आए, जितना रश लगा हुआ है, जैसा कि एक मेले का समय है, यहाँ पे हड़प्पा जो शहर है यहाँ पे लोग आकर रहने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ पे रश क्या, कहाँ पे कोई आइसक्रीम वाले भी नहीं हुआ करते थे, किसी दौर की बात कर रहा हूँ। आज हड़प्पा ऐसी बन गया जैसे लाहौर को पीछे छोड़ दिया है। जितनी गैदरिंग है, लोग हो, शायद बच्चे आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट भी है। मैं इनकी टीम को और इनके ऑनर को क्रेडिट देता हूँ, जो इतना ज़बरदस्त पॉइंट भी है, लोग इंजॉय लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बहुत सी ऐसे ऐसी बारबेक्यू के जो आपको कहीं भी कहीं से नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ से बारबेक्यू से मिलेगी। इंशाल्लाह आप आएँ और एक दफ़ा टेस्ट करें। नाज़रीन, इससे मैं मजबूर था डेरा सुल्तान पे। जैसे कि आपने जाना है, लोगों का कहना था कि इनका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फिर ज़्यादा गुलाम साहब को दीजिए ज़्यादा, देख करिए सेंट न्यूज़ अल्लाह के बाद।